हेलो भैया जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 15 अगस्त, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो लाल किला तो पूरा तिरपाल से ढका हुआ है। अभी हम दिल्ली ही में हैं, तो लाल किला तो आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इंडिया गेट की तरफ, क्योंकि इंडिया गेट सुने हैं खुला हुआ है। तो चलिए वहाँ आप लोग से मिलते हैं और दिखाते हैं इंडिया गेट का क्या हाल है। भाई इस पे तो एलविस यादव का सपोर्टिंग का बैनर लगा हुआ है पीछे यार, और भारत माता की जय का पूरा नारा लग रहा है। कसम से भाई, फॉर्च्यूनर में तो जान है भैया जी। और चलते चलते मेरा नज़र पड़ गया इस बोर्ड पर जो फूल का बना हुआ था। सब फोटो खिंचवा रहा था तो मेरा भी दिल किया, दो चार फोटो खिंचवा के हम भी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। जैसे ही गेट पर पहुँचे देखे कि सब को ऊपर से टॉप टॉप के अंदर पार हो रहा है, गेट खुला हुआ नहीं था। तो हम भी वही किए, जाली पे चढ़ के वही पार तड़प गए। हमें देख रहे हैं तड़प तड़प के पूरा भरा हुआ है। जितना भी अंदर में भीड़ नज़र आ रहा है, सब गेट तड़प के ही अंदर आया था डायरेक्ट कूद के। और मेल का तो ठीक था, यहाँ फीमेल भी सब कूद ही के आई है। तो आप लोग देख सकते हैं आज का क्या हालात है यहाँ का। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए आपको दिखाते हैं जिसके लिए आए थे इंडिया गेट। आप लोग देख सकते हैं ये दिन का है, अगर रात में आएंगे तो कुछ और ही नज़ारा पाइएगा, क्योंकि पूरा तिरंगे के कलर में दिखेगा। रात में अगर आते हैं तो दिन में आइएगा तो इसी टाइप का दिखेगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद अगर आते हैं तो इतना भीड़ नहीं मिलेगी। आज इतना भीड़ है क्या बताएं आपको। आप तो सामने देख रहे हैं क्या स्थिति है इंडिया गेट का। ये रहा सामने का फर्स्ट व्यू जो है, सामने से देखिए कितना खूबसूरत दिखता है इंडिया गेट। इधर पूरा नारेबाजी हो रहा है, भारत माता की जय के नारा से पूरा इंडिया गेट गूंज रहा था। और यहाँ रोला बनाने वाला का भी कमी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अपना अपना भौकाल बन रहा है। इस तरह का 10-12 को टुकड़ी था जो हमको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे भाई का जो जोश है वो आप लोग देख सकते हैं कितना प्रेशर में है, है ना प्रेशर में जी। हमको भी ऐसा ही लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। भाई रियल में यार बहुत खूबसूरत इंडिया गेट है भाई, अभी भी लगता है ना कि आज ही बना है, एकदम न्यू ब्रांड। सामने से देखने के बाद बहुत भाई चलते चलते जब इधर आए ना तो गार्ड रोक रहा था सबको, पता नहीं इधर क्या मामला था, आज किसी को जाने नहीं दे रहा था आगे, तो आगे नहीं जा सके इधर। और आरिफ भाई को बोले कि जाइए जी, ज़रा से पूछिए सर से क्या स्थिति है। तो आरिफ भाई कुछ बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ जी, नहीं जाने देंगे उधर लगता है। भाई अपना भौकाल बना के वापस आ गए, जाने नहीं दिया गया। तो भैया जी गर्मी बहुत है का जी, क्या बोलना चाहेंगे आप, गर्मी है कि नहीं? गर्मी बहुत था इसलिए कुछ सीन आप लोगों को कम दिखा पाए, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मेरा आँख थोड़ा है, आई फ्लू हो गया था तो छोटा है, तो उस पर ध्यान आप लोग को नहीं देना। यहाँ तक था मेरा आज का सफ़र, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।